वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हो चुका है शाम के बज रहे हैं 7 और आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि व्यू के साथ कैसे टाइम बीतता है पता नहीं लगता। ऊपर से हमारा काम, सारी चीज़ों का प्रेशर, दिवाली है, दिवाली के में लोगों से मिल के आना, दिवाली के लोगों को गिफ्ट्स बांटना, लोगों का आना जाना, ये सब चलता रहता है, इसके कारण बहुत बिजीनेस रहते हैं। दूसरा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जुआ कभी उधर है अपने घर, कभी इधर है। अब 80% उधर रहती है और 20% इधर। तो अभी दिवाली पे हम अपनी पूजा वगैरह सबके लिए यहाँ आए और आज जो अपने व्यू की पहली पूजा है, मतलब हमारी रियाना, हमारी बच्ची की फर्स्ट पूजा है धनतेरस की। ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता, ज़्यादा रिचुअल्स नहीं पता, जितना सबसे सुना है, जितना हमने देखा है आज तक, उस हिसाब से पूजा कर रहे हैं, जिसमें कुछ ना कुछ स्टील का आइटम होना चाहिए, झाड़ू होनी चाहिए, वो सब रखे हमने, मिठाई विठाई रखे, हम लोग पूजा चालू करने वाले हैं। सो आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए हमारी पूजा में, हमारी व्यू की फर्स्ट पूजा में, एंड प्लीज़ ज्वाइन अस। और आज हमारे पास पता सबसे अच्छी चीज़ क्या आई, ये हमारे व्यू का फर्स्ट फीट इम्प्रेशन, जिसको देख के मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल से अटैच है। लेकिन ये पता अभी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, मैं अभी इसके मैं इसके हैंड और फीट के इम्प्रेशन लूँगा जब ये एक साल की होगी और मैं वो खुद कास्ट करूँगा। एंड आई गॉट एवरी थिंग अवेलेबल एट होम, मैंने सब मंगा लिया, बस मुझे उसको कास्ट करना है, मैं ज़रूर करने वाला हूँ ये चीज़, और उसका एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा की तैयारी हम नहीं कर रहे, वो कर चुकी है जुआ, बट हम लोग पूजा करते हैं और भगवान का आशीर्वाद देते हैं, रियाना को उसकी व्यू को हमारा फर्स्ट आशीर्वाद देते हैं, उसे प्यार से घर पर व्यू बुलाते हैं। तो वो उस नाम को सुनने भी लगी है और उसकी तरफ वो थोड़ा सा रिएक्ट भी करती है, तो अच्छा लगता है सुन के कि उसका एटलीस्ट अपने नाम की पहचान हो रही है। आइए चलते हैं। रीज़न बीइंग कि बस जुआ का आना जाना लगा रहता है, जुआ का आजकल 80% टाइम अपने घर में बीत रहा है और बिल्कुल टाइम अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। हाँ। और सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो देखिए अभी भी आप देखिए घर कितना मेस्ड अप है। ओ हमारे व्यू का अभी वो भी देख, व्यू भी बैठी हुई है, देखिए अभी यहाँ पर है व्यू हमारी, ठीक है, ये रही हमारे व्यू के पाँव। फेस अब रिवील करेंगे तो फेस भी आपको दिखा दिया जाएगा, क्यों भाई जुआ। और आइए घर की लाइटिंग भी दिखाते हैं आपको, सेटिंग कैसी करी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है लाइटिंग, फिर यहाँ से जाते हुए, यहाँ से आते हुए, फिर यहाँ से इस तरीके से, और ये ऐसे हमारी लाइटिंग हुई है, विच इज़ लुकिंग वेरी इम्प्रेसिव। और झूले पे देखिए एज ऑलवेज सत्यन बाबू के कपड़े, भाई साहब पता नहीं करते क्या हैं, अपने कपड़े यहाँ पे छोड़े रखते हैं, बट क्या करें, अब जैसा चल रहा है चल रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम चीज़ों का इन्जॉय करें, बट हाँ हम लोग थोड़ा सा, मतलब हम लड़के लोग हैं ना, मैं और सत्यम ही रह जाते हैं घर पे, अब हम काम में इतना बिजी रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, बट फिर भी सत्यम टेक्स केयर ऑफ द हाउस वेरी मच, वो बहुत अच्छे से केयर करता है। इसको बंद कर देते हैं कि मच्छर आ जाएंगे हमारे व्यू को, आपको काटेंगे और जो हमको गालियाँ देगी कि तुम लोग मच्छर गुस्सा आते हो, तो इसलिए उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब फटाफट से चलते हैं, चलिए आइए और पूजा कवर करते हैं। देखिए आप भी हम पूजा कैसे करते हैं, हम लोग को उतना पता नहीं है, बट जितना हमको पता है, जितना हमने सबसे सुना है, बचपन से देखते आए हैं, उसी चीज़ों को देखते हुए पूजा करेंगे। आइए चलते हैं। सो सत्यम जुगाड़ कर रहा है क्योंकि इसने यहाँ पे बेचारे ने बड़ी मेहनत से लाइट्स लगाई हैं, तो चाह रहा है कि लाइट्स इस समय पर लाइटन अप हो। और एक लाइट का मुझे कहता कि ये लगेगा नहीं, मैंने तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लगा के कर दिया, पता नहीं ये कैसे जुगाड़ करेगा। अच्छा बाकी आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था जो हमें मिला ना, वैसे एक्चुअली हम ये हम और कुछ भी लाना चाहते थे, बट देन कुछ प्लान था, अब क्या बताएं, जब हुआ ही नहीं प्लान पूरा, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए अभी देखिए अभी कितनी सारी गिफ्ट बांटी नहीं है, जितनी बांट सकती थी उतनी बांट दी, अब जो रह गई हैं उनको कल बांटेंगे छोटी दिवाली वाले दिन। बताइए इतना एक्सपेंसिव झूला लिया, और सत्यम आज जल जाएगी ना आज की डेट में। हाँ कोई ना आराम से जला, कोई ना 5-10 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा जला, फिर सुंदर मंदिर दिखाएंगे सबको, बढ़िया वाला। कुछ नहीं मिला तो सोचा टिश्यू पेपर ही लगा लेते हैं, अभी हैं कि कौन लेने जाएगा और लेट हो जाएंगे, डांटेंगे। चलो भाई चलो 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 ले सकता उठा रहे आप ही उठा रहे। हाँ जी दीजिए प्रसाद। इस लड़की ने जो हमारी रेल बनाई है आज हमें ही पता है हमने कैसे मैनेज किया इसके साथ, क्योंकि आज में पूजा कैसे करिए जो ऐसे फास्ट फॉरवर्ड पूजा आज तक नहीं करी हमने 500 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई। सत्यम मैं आपको बताऊं, सत्यम एक बार सत्यम घंटी लाके दियो, एक बार घंटी लाके दियो, एक बार लाके दो। पहले सत्यम ऐसे घंटी बजा रहा था, फिर जैसे फास्ट फॉरवर्ड पूजा सत्यम घंटी ऐसे हो गई
तो वहां से हमें डिफरेंस पता लग गया था कि हम बहुत तेजी में कर रहे हैं, बट क्या करें, बच्ची रो रही थी और उसको दूध चाहिए था। अब हमारी से थोड़ी सी डिले हो गया लाइट्स वगैरह लगाने के चक्कर में, बताओ डॉट्स ऑल सेट एंड डन। आप सबको हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। मे ऑल ग्रो वेल, सबकी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, सबके घरों में बहुत शांति हो, जो कि बहुत मुश्किल होती है आजकल होनी परिवारों में, बट देन होम बहुत अच्छा हो, सबके घरों में वही शांति हो, सब प्यार से सुख से बिना लड़ाई झगड़ों के रहें, खुशी खुशी साथ साथ, वही सबसे हैप्पी धनतेरस होता है। हर त्यौहार का मतलब त्यौहार अच्छा होना नहीं होता, हर त्यौहार का मतलब होता है जब हम साथ खुशी से रहते हैं, वो एक असली त्यौहार होता है जब हम उसको दिल से सेलिब्रेट करते हैं। सो आज हमारी व्यू यहाँ पे रो रही है थोड़ा बहुत, जो है मैनेज कर लिया है फाइनली। हाँ, अब जैसे ही इसको गोदी में बिठा के दूध पिलाती, जैसे ही ये खड़ी होती है ये चुप हो जाती है, जैसे ही बैठ के पिलाने लगती है पीती नहीं और रोने लग जाती है। सिर्फ बच्चों की नई नई हैबिट्स हैं जिनके लिए हम यूज टू हो रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी इसके बारे में डिस्कवर करी हैं जो धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। कल कोशिश करेंगे एक ब्लॉग बनाए पूरा दिन से लेके शाम तक, कल हम घर पे ही हैं, कल और परसों, तो पूरे दिन ब्लॉगिंग होगी और आपको इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में और बताएंगे, जिससे आपको भी नॉलेज मिले कि बच्चा क्या क्या करता है। वैसे तो जिनके पास है उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज होगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए एक थोड़ा नया एक लेसन हो जाएगा जो कि ले सकते हैं यहाँ से अगर हमारे चैनल देख रहे हैं। तो ऐसे देखते रहिए, हमारे चैनल को एंजॉय कीजिए। छोटा सा एक ब्लॉग था, मज़ेदार था, हमारी तरफ से हमने पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करी। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ मेक अस ग्रो सो दैट वी कैन गेट यू द बेटर कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साईं राम।